हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आज के इस व्लॉग में। तो आज हम फिर से खेत में पहुंचे मक्की काटने, और आप देख रहे हैं ये दराटी मेरे हाथ में क्यों है, तो क्योंकि दराटी से जो है इन मक्खियों को दोस्तों काटा जाता है। और मक्खियों को काटने के बाद ये देखिए अभी नहीं काटा है तो इस तरह की है, उसके बाद इस तरह से बसाया जाता है पूरी लाइन लगा के। मैं आपका अपना दोस्त एक शास्त्री हिमाचली ब्लॉगर चंबा की चुरा से बोल रहा हूँ। और इस तरह से जो है इनको लाइन में रखा जाता है, पंक्तिशा रखा जाता है। पंक्तिशा रखने के बाद इनको जो मक्खी ये निकाली जाती है, ये निकालने के बाद इसको जो है किल्टे भरकर घर को लिया जाता है। सबसे पहले प्रोसेस रहता है काटने का, काटने का प्रोसेस आपको भी दिखाएंगे अभी हम। ये देखिए ये रहता है काटने का प्रोसेस। इस तरह से मक्खी को काटा जाता है। तो हेलो गाइस, हर हर महादेव, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज का स्वागत आपका दराटी के साथ। और दराटी कोई आपके लिए नहीं है, ये है हमारी इन मक्खियों के लिए। और मक्खी का जब सीजन चलता है गांव में दोस्तों, तो इतना भयंकर होता है कि हमें हाथ मुंह धोने का और नहाने का समय सुबह सुबह नहीं मिलता है, हमें उसके बाद ही जाना पड़ता है। उठते ही सीधा खेत को भागना पड़ता है, क्योंकि सुबह की प्रोसेस जो स्टार्ट होती है वो मक्खी काटने से होती है। अगर मक्खी सही सुबह उठ कर कट जाती है तो वही दिन भर जो काम रहता है इसको निकालने का सही से हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह जब तक सूरज नहीं निकलता तब तक मक्खी काटने का काम बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। और इस मक्खी के साथ साथ हमारे यहाँ पर ये इसको चौड़ा बोलते हैं, ऐसे तो भबरी बोलते हैं देसी, उसमें इसको भी काटा जाता है साथ साथ में। लेकिन इस तरह की फसलें जो है हमारे खेतों में रहती है, इसमें जो है राजमा भी मिलते हैं मक्की के साथ, आपको दूसरी दालें बीज सकते हैं आप, और तीसरा जो खीरा होता है बहुत ही मात्रा में पाया जाता है इस मक्की के साथ। तो इस तरह का रहता है हमारा स्ट्रगल वाला लाइफ, गांव की लाइफ। ये दिखाने के लिए स्पेशल व्लॉग बना रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जो गांव की लाइफ है उस बहुत ही स्ट्रगल फॉर लाइफ है। ये कोई मज़े तो हैं साथ में, लेकिन आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये देखिए सुबह सुबह ये सारी धराशाई कर दी, सबको काट दिया है सुबह सुबह, और इसके बाद इनका जो है टाइम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में, और इस व्लॉग में आगे भी बताएंगे आपको। हर हर महादेव। अखरोट के पेड़ भी अपने ही खेतों में दोस्तों, शुद्ध हवा, शुद्ध यहाँ का वातावरण, हर एक चीज़ की शुद्धता यहाँ आपको मिलती है। तो इसीलिए हम चुरा चंबा को एक्सप्लोर करना चाहते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारी वैली, बहुत बड़े बड़े खेत नहीं हैं, लेकिन छोटे भी खेत नहीं हैं, और बहुत ही शुद्धता से भरा ये यहाँ का मौसम। तो यही था हमारे आज के इस वीडियो में स्पेशल, कि हम किस तरह से खेतों में काम करते हैं और किस तरह का स्ट्रगल हमारे जीवन में रहता है हमेशा, और हम जो है कभी भी नहीं जूझते और कभी भी अपने काम के प्रति रोना नहीं रोते हैं। और बड़ी सारी युवा पीढ़ी जो आजकल नशे में ग्रसित हो रही है, तो सभी को, मेरे सभी दोस्तों को एक मैसेज है कि भाई आप काम बेशक मत कीजिए, लेकिन नशे से दूर रहिए। लेकिन अगर अपने माँ बाप के साथ आप, गांव के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल है, अगर आप हाथ बटाते हैं, काम करते हैं, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा उस नशे में जाने का। और नशा एक ऐसा जहर है, धीमा जहर है, जो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देगा, आपके परिवार को ख़त्म करेगा, समाज को ख़त्म करेगा, आप सबके दोषी बन जाओगे। तो धीरे धीरे आइए, इस प्रकृति के बीच हमें जीवन मिला है, गांव में जीने का मौका मिला है, तो हम क्यों ना अपने खेतों में समय बिताएं, यहां पर मटर बीजें, बीन्स बीजें, सब्जी बीजें, ताकि हमारा जो खान पान है वो शुद्ध हो, हम पैसा भी कमाएँ और अपने जीवन को भी आगे ले जाएँ। तो छोटा सा मैसेज इस वीडियो के द्वारा आप सबके लिए, कि हम सब मिलकर जो है इस चीज़ को बदलें, ताकि हमारा चुरा आगे बढ़े, चंबा आगे बढ़े, हिमाचल आगे बढ़े, और हमारा भारत देश आगे बढ़े, और इस तरह से स्ट्रगल फुल लाइफ हम जी सकते हैं। तो यहाँ से हमें पैसा आएगा, बेनिफिट मिलेगा, तो क्यों ना इस चीज़ को करें। अगर आपके पास खेत नहीं है, काम करने चाहते हैं, तो भाई बहुत सारा काम है, लोकलिटी में ही काम करें, बड़ा सारा आप काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।